मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुमने बताया था मुझे। बहुत फर्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। किसे पूछे लेके गए थे तुम? मुझसे पूछा था तुमने? शिमरा ठीक है? कर पहुंचो पर। तुम ठीक हो? ठीक। शिप्रा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे, प्लीज। मैं परेशान नहीं होऊंगा, सच बताओ मुझे। ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो भी है मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही, तो मैंने शिप्रा देखो, शिप्रा ये बात जानती हो तुम, मुझसे तुम हो, तुमसे मैं हूं। चलो पियो। मैं दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा? पियो यार, पियो। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे, मुझे बता नहीं सकती थी तुम? सो रहे थे? मरा तो नहीं था ना यार? क्या हो गया शामिर, प्लीज पैनिक मत करो। तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, मैं नहीं चाहती थी। शिप्रा तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं है, मुझे उठा देती तुम। जब रात मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा फर्ज था, मुझे उठाती तुम। शामिर लेट्स बी रियलिस्टिक, अगर तुम होते भी तो जो होना था वो रुक नहीं सकता था, वो फिर भी होना था। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होने देता, सामने आ जाता मैं। शमीर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। आइंदा के बाद तुम अकेले नहीं जाओगी, मेरी बात समझ आ रही है ना तुम? प्लीज ओके। मैं बस एक बात सोच रही हूँ कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, वो जो जब मैं खेली हूँ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, जब हम साथ में होते हैं तो कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। आई नो, मैं देख लूंगा, तुम परेशान नहीं हो। जमीर आओ जरा बैठो। अर्जुन बुलाया, खैरियत? शायद आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन बात तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। कौन सी बात? शमीर तुम जानते हो हमेशा से तुम मेरे लिए कितने अजीज हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम हमारी पार्टी का मुस्तकबिल हो, बल्कि इसलिए भी कि ज़ुबैदा सिकंदर की इकलौती औलाद हो, और तुम पर इतने अटैक्स होने का मतलब
यह है कि कहीं ना कहीं हम सब मिलकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती है। नहीं, अपने दुश्मनों को मैंने खुल के ललकारा है, तो ये तो होना है। तुम्हारी गलती नहीं है, होती अगर बात बाहर की होती, लेकिन जब मामला घर का हो तो मैं क्या कहूं तुमसे। देखो शमीर, अगर बात इतनी सेंसिटिव ना होती तो मैं कभी भी सबूत के साथ मामला डिस्कस नहीं करता। चलो। क्या ये लोग किसी और के लिए नहीं बल्कि दाऊद के एक बहुत खास आदमी के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा शक कहां जा रहा है, किसकी तरफ है। ये रास्ता बता रहा है कि वहां खड़ा कौन है। That is all. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आपको अंदाजा है आप किसके घर आए? अच्छे से, शामिर सिकंदर के ससुर हैं आप। ये मतलब नहीं है मेरा, वारंट है हमारे पास। कहां से आ रहे हो? काम से गया था बाहर। एक बात पूछूं आपसे, आप सुलेमान सर के ऑफिस गए थे? क्यों? मुबारकबाद देने गया था। कुछ गलत किया मैंने? नहीं, अच्छी बात है। तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। आप पर नहीं, ऑन पर। ठीक। हारून के यहां से आ रहे हो ना? नहीं जाना चाहिए था। नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो आई ट्रस्ट यू। But don't trust him. Yeah, आप कह रहे हैं। मुझे अपना बेहतर पता है। आपका ही है ना? बैग किसका? नरगिस लेकर आई थी, सुकैना का जेवर है। अब जी, मेरी नंद का है, बच्चे का जेवर है इसमें। अच्छा, तो फिक्र नहीं किया। खोलो इसे, चेक करो।
इसकी सीरियल नंबर देखो। सीरियल नंबर वही है। हम आपको इस वक्त की सबसे अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अभी अभी एंटी करप्शन यूनिट ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात यानी आवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन के ससुर को रिश्वत सताने के इल्जाम में उनके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल लाखानी से। सुहेल, कहिएगा आखिर ये सारा माजरा है क्या और ये मामला इस वक्त कहाँ खड़ा है? ये सब क्या हो रहा है शामिर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशानियों में मालूम करते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, उठो बहुत देर हो जाएगी। कहाँ चलो? माँ की इतनी कॉल्स, कहाँ चलो? क्या मतलब बाबा के पास चलो? फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे बाबा पे करप्शन का इल्जाम लगा, हम नहीं जा सकते। करप्शन का इल्जाम लगा तो तुम नहीं जानते बाबा को? शिप्रा मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, मीडिया नहीं जानती है। मीडिया बहुत अलर्ट है और जिस तरह की सिचुएशन है, पार्टी की जो सिचुएशन है, मैं तो हेल्प देती हूं पार्टी। शिप्रा, पापा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। शिप्रा देखो, मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बात मैं जानता हूँ। उन पे इल्जाम लगा किसी ने मेरे अगेंस्ट किया सब कुछ। ये जा रहे हो कि नहीं शामिर? शिप्रा ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। तुम चल रहे हो मेरे साथ के नहीं शामिर? नहीं, ना मैं जा रहा हूं ना तुम जाओगी। वहां भी जाएंगे वहां पे सिचुएशन और खराब होगी जाके। लिसन, मुझे पता है उन्होंने कुछ नहीं किया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं मेक श्योर करूंगा वो जेल से निकल जाएंगे आज के दिन। टाइम दो मुझे, ओके? मुझे किसी से बात करने दो, भरोसा रखो मुझ पे, ओके? प्लीज काम डाउन। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे तू खुद से, सुन ले। मीडिया मैनेज हो जाएगा वो तुम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ तुम ये पता कराओ ये सोर्स क्या थी, कहां से हुए है। शामिर, शामिर, शामिर तुम फिक्र मत करो, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। शामिर मेरा यकीन करो, मैंने सुलेमान को गिरफ्तार नहीं कराया। बाबा दुआ करें ऐसा ही हो, ये जिसने भी किया होगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चाहे जो भी हो, आपको याद है लास्ट टाइम आपके घर पे कौन आया था? आखिरी बार लड़के से आए थे और वो पैसे भी उन्हीं के बैग से निकले थे। वो नहीं कर सकते ऐसा, उन्हें कोई पसा रहा है। अपने भाई के साथ कोई करता है ऐसा?
तुम एक काम करो ना जी, तुम मेरे साथ अभी चलो, चलो ना। आंटी आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। अभी आपका और मेरा जाना वहां पे ठीक नहीं है। इस मैटर को मुझे अपने तरीके से देखने दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब से मुझे पता चली लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। शामिर, सुलेमान पे यकीन है ना? जी यकीन है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मगर इतना जानता हूँ, अगर मैं वहाँ चला गया या कोई भी सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होगी। सॉरी। देखिए बेटे, समझती हूँ, चलती हूँ। सुलेमान से मिलने तो नहीं जा रहे? नहीं अभी नहीं, मगर जाऊंगा। सिबरा बहुत परेशान है। जाहिर है, बाप है उसका। लेकिन तुम्हें किसी कीमत पर भी समझदारी और होशमंदी से रहकर चलना होगा। कंफ्यूज हो गया हूं मैं बात। ऐसा लगता है सारे दुश्मन एक साथ आ गए। एक दिन हार्डली अच्छा गुजरता है, उसके बाद अगले दिन फिर से कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। ये सियासत है शामिर, यहां हर हाथ मिलाने वाला एक दुश्मन अपना अजनबी है। That's why. तुम्हें संभल के चलना होगा। क्या लगता है आपको, इस सब के पीछे बाबा का हाथ हो सकता है? जुबैदा सिकंदर के जमाने से ही सुलेमान की ईमानदारी और मुंहफट होना दाऊद को हमेशा परेशान करता रहा है। तुम्हारी मां भी सुलेमान के ऊपर दाऊद से ज्यादा भरोसा करती थी। और किस्मत का खेल देखो कि उसकी बेटी ने दाऊद का बेटा जीत लिया। दैट्स व्हाई शामिर, दैट्स व्हाई मैं समझता हूं कि ये जो सारी शिकस्तें हैं दाऊद से बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए वो कब्जा जमाना चाह रहा है तुम्हारे ऊपर। ही वॉन्ट्स यू इन फुल कंट्रोल, शिकंजे में फंसा रहा है तुम्हें। अगर ऐसा ही है ना, बाबा को उस चीज की प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम जब तक हमारे हाथ दाऊद के खिलाफ सबूत ना लग जाए। हेलो, अच्छा ठीक है, उसे रोक के रोको, मैं आ रहा हूँ, बस फौरन आ रहा हूँ मैं। क्या वो किससे मिलने जा रहे? सुलेमान के घर जिसने पैसे रखे थे ना,
उसका पता चल गया। जाके देखता हूँ मैं। ओके। आपने जो बात बोली इसके बारे में सोचूंगा मैं। थैंक यू। ये तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं कि तुमने पैसे रखे या नहीं, क्योंकि वो हमें पता है। हम तुमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि तुमने वो पैसे रखे किसके कहने पे, किसने कहा था? किसने कहा था ये तो नहीं बता सकती। ये पता है वो उन्होंने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने उनका नाम बताया तो वो जान से मार दे। अच्छा, धमकी दी थी उन्होंने। तो मैं तो वो कर गुजरूंगा जिसकी उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ धमकी दी है। अल्लाह, नहीं, नाम ना बताने से मना किया था। सिर्फ ये तो मैं बता सकती हूँ कि वो ना पैसे ना वो अपना बच्चा नहीं है शामीर, वो उसके अब्बा ने दिए थे। अब तो मैंने बता दिया ना किसने दिए थे, तो अब चले हैं? खाना भी बनाना होता है ना मुझे। वैसे तुम्हें क्या पसंद है भैया खाने में? कद्दू। कद्दू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कद्दू जहाँ तुम अभी बैठी हो, अय्याशी कर रही हो, राज कर रही हो, वहां तुम्हें किसने पहुंचाया था? मैंने, समझे? और तुमसे मैंने ऐसे ऐसे काम करवाए थे जिसका अगर मैं जिक्र छेड़ भी दूं तो तुम्हारा तस्करा तक इस जमाने से मिल जाए। हारून, ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि तुम समझने की कोशिश करो। दाऊद आज भी तुम्हारे काम आ सकता है। मेरे काम? वो इंसान जो अपनी पार्टी तो क्या, अपना बेटा तक नहीं संभाल सका, जिसके होते हुए एक आम सी लड़की मेरी बेटी का हक छीन गई, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। आंसुओं का मतलब समझ सकती हो? समझ सकती हो आंसुओं का मतलब? तो ऐसा शख्स मेरे किस काम का? किसी काम का नहीं। हाँ, और रही बात तुम्हारी, तो बेशक बेवा बनकर ही सही, जिंदा जरूर रह सकती हूं। हारून, गुड बाय। हारून, प्लीज लिसन टू मी। हारून, अब तुम्हारे हवाले क्यों कर दिया मुझे? शंकर, वहां हमारी चलती नहीं ना, हमारी भाषा यहां है। आपको कुछ खाना पीना हो तो हुक्म करें। अरे हम तो शुक्र गुजार हैं तुम्हारे, तुम्हारी वजह से हमें काम शाम मिल गया, वरना हम तो बेरोजगार थे। एक फोन कर सकता हूँ? नहीं, फोन नहीं है कर, फोन की इजाजत नहीं। वैसे इसे फोन करेंगे, भाभी को या फिर हमारे बिग बॉस शामीर साहब।
बिग बॉस ही तो है हमारे। पापा हमेशा से ऐसे थे, खुद कर्ज और जज्बाती। आज भी याद है मुझे फरा की मोहब्बत में किस तरह पागल होकर मेरी मां को मरता हुआ छोड़ दिया था उन्होंने। मुझे लगता है मेरी मां के मरने पे उन्हें कहा हाथ है। आओ बैठो जरा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नरगिस को मीडिया पुलिस के सामने लेके नहीं आ सकता, सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जानता हूं, सुलेमान को छुड़ाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तुम भूल के भी ये गलती नहीं कर सकते, सब कुछ धर्म भरम हो जाएगा। और अगर तुम्हारे फोर्स करने पर दाऊद एतराफ है जुर्म कर भी लेता है तो सोचो पार्टी का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि हम दाऊद को ना सिर्फ सुलेमान को फंसाने के जुर्म में बल्कि शिबरा पर होने वाले कातलाना हमले के सबूतों को लेकर हमेशा के लिए पार्टी से अलग कर देना चाहिए, जैसे कि वो कभी पार्टी का हिस्सा ही ना रहा हो। जानता हूं आप सब सहाफी अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज के लिए बहुत बेताब हैं, मगर मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि पहले मेरे जवाब को अच्छे से सुन लें, फिर उसके हिसाब से जो भी रिपोर्टिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। आप सवाल पूछें प्लीज। शामिर साहब, आपने पार्टी ज्वाइन करते ही अपने ससुर की तरक्की करवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके चंद दिनों बाद उनके यहाँ से रिश्वत की रकम बरामद हुई थी, तो क्या आज आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल कह सकती हैं कि एक दामाद ने अपने ससुर को तरक्की दी, एक पोजीशन दिलवाई, उनको बेनिफिट दिया। लेकिन ये भी सच है कि सुलेमान अहमद ने अपनी सारी जिंदगी बहुत सिंसेरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ गुजारी है। उनके कैरेक्टर पे एक भी दाग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे जितना भी ऊंचा चले जाए, फरिश्तों के मनसब कभी भी नहीं आ सकता। तो मैंने जुबैदा सिकंदर की पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से ये फैसला किया है कि हम सुलेमान अहमद से, मैं या मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर, उनको फेवर नहीं देगा, ना उनसे कॉन्टैक्ट करेगा। हम ये फैसला मेरिट पे छोड़ते हैं, जो फैसला कोर्ट करेगी हमें एक्सेप्टेबल होगा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े, तुझसे पिया पागल या जोगी, मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लू सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। शिब्रा बात सुनो मेरी, कहाँ जा रही हो? क्या बात सुन रही तुम्हारी? क्या इंसाफ किया तुमने आज? लोग बहुत खुश होंगे तुम पर कि सुबह तक सिकंदर के बेटे ने अपने ससुर को बेगुनाह होने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे कैद किया होगा। अपनी गंदी सियासत की बिना
शिप्रा देखो मुझे एक्सप्लेन करने दो, गलत फहमी है, एक दफा मेरी बात सुन लो। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम, समझाओ मुझे, मैं समझना चाहती हूँ। तुम्हें तो आज इतनी भी हिम्मत नहीं है, बेटी को अपने बाप से मिलने दो, एक बेगुनाह को जाके हौसला दे दो। कौन हो तुम वही शामिल हो ना जो मेरे बाप की शराफत की गवाही देता था, आज उसका मीडिया ट्रायल करवाएगा। बात समझो, देखो ये सियासत है, सियासत में सिर्फ परसेप्शन मैटर करता है, सच्चाई क्या है किसी को कोई परवाह नहीं होती, और लोग सच ही नहीं जानते। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को नहीं पता है। प्लीज भरोसा करो मेरा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, मैं ये सब खत्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है। जी मुझे सबकी परवाह नहीं है, लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि सच क्या है। सच ये है कि मेरे पापा रिश्वतखोर नहीं है। मुझे बता रही हूँ शिप्रा, मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, सच पता है मुझे। दुनिया नहीं जानती सच, हाँ लोग वही मानते हैं जो देखते हैं। मैं एक प्रॉपर लीगल तरीके से सिचुएशन को देख रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू मैं उनको निकाल दूंगा, बस प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है फिर चलते हैं बाबा के पास, बाबा को हमारी जरूरत है। चलो चलो I'm sorry शिप्रा। मैं नहीं जा सकता, ठीक समझो इस बात को, मैं वहां जाऊंगा सिचुएशन और खराब हो जाएगी, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक लीगल तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहा हूं, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें खुद को उनको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। तुम जा नहीं सकते और मैं रुक नहीं सकती शिप्रा, देखो जज्बाती होगी। जो तू कहे